So what we will do is, listen, okay, we will be starting with very basic numbers. ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का नंबर सिस्टम होता है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन आई एम राइटिंग, इज नेचुरल नंबर. कौन सा नंबर बच्चों? नेचुरल नंबर्स. ओके, द नंबर्स विच एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वन. एम आई ऑडिबल? हेलो. यस सर. या, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, मतलब ये सारे नंबर्स. उसके बाद में नेक्स्ट वॉज, अगर इसमें एक और नंबर मिसिंग है, सो वॉट इज दैट नंबर? टेल मी वॉट इज आंसर ऑफ 5 - 5 बच्चों? जीरो. 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 तो ये नेचुरल नंबर्स के लिस्ट में जीरो है क्या? यस. नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है, तो इफ आई पुट जीरो, द लिस्ट ऑफ सच नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. क्या बोलेंगे इनको हम लोग? होल नंबर्स. होल नंबर्स. वेरी गुड. Now tell me children, what is answer for 10 - 5? 5. Very good. And do you remember what is answer for 5 - 10? 5 - 10 ka answer kya hai? Ulta. Yaad karo. We have learned this as well. Sir, -5. Very good. It is -5. Suna aisa kuch? -5. Yes? Shall yes, sir. You all will keep your videos on, huh? Yeah. So it's called -5. तो ये negative numbers हुआ. क्या ये negative numbers इन दोनों में से कोई भी list में present है क्या, बताओ? No sir. No. तो such numbers के लिए हम लोग अलग set of numbers बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं integers. क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों? Integers. तो जैसे ये सारे numbers हो गए, कौन से सारे numbers हो गए? इसमें 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर्स तो आएंगे, लेकिन इन सब के पहले कौन आएगा? -1. उसके पहले कौन आएगा बोलो? -2. -1. ठीक है, उसके पहले कौन आएगा? -2. -2 के पहले -3 एंड सो ऑन. ऑल सच नंबर्स बच्चों आर कॉल्ड इंटीजर्स. इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? इंटीजर. 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 इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव नंबर. ठीक है, पॉजिटिव नंबर. और कौन उसके साथ? नेगेटिव नंबर. जीरो. और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर. वेरी गुड. ठीक है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मुझे? इंटीजर्स. क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर्स. समझ में आया इतना? कम ऑन एवरीवन. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, come on. What we'll do is give heading types of numbers. Types of numbers. And write on this 3 types of numbers fast. Just by understanding, huh? Don't just samajh ke likho. Aditya, samajh rahe aapko? Aditya? Yes, sir. Yeah. So, just give heading types of numbers and write on this. Okay? Done? No, ओके, सो ये नंबर्स के बाद व्हाट वी डू इज, आई होप यू आर डन बच्चों, एवरीवन. हेलो. नो सर. कम ऑन. नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट इट डाउन. So finish writing. Okay. Okay. Done, everyone?
Yes, yes sir. Basic numbers. अभी हम लोग है ना, next what we'll understand is, we will learn this, operations on number. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? Operations on numbers. अब operation number. ऐसा कुछ कटपुट करने का क्या, ऐसा कुछ क्या? नहीं नहीं नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ठीक है, सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन. मतलब क्या, इन दिस वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इज, हम लोग सिंपली नंबर्स को, ठीक है, ध्यान दो, ये दो टॉपिक तो बहुत सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दिस इज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर टिल आवर 6th स्टैंडर्ड. वी आर गोइंग टू लर्न दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, बट उसके पहले हम थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख लेंगे आज. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. अब ये सब है क्या सीख लेंगे, मतलब सिंपल है. सी, तो वी हैव नंबर्स, लेट सी. ठीक है, वी हैव सम नंबर्स. मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ. लेट से इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग, व्हाट इज 2 + 5? You might be saying, come on, sir. Seven. Yeah, seven. Very good. Seven. Answer for 0 + 0 + 8. Eight. Everyone should see, ka bachcho, eight. Now, ye maine jaise addition ka liya, I also write two examples of subtraction. Can you tell me what is answer for 8 - 5? Three. Aditya, you are not speaking. Aditya, I want answer. And what is answer for 7 - 2? Come on. Five. Very good. Now just think this very carefully and try to answer. What will be answer for -2 + 5? -3. Okay, this will be answer will be 3. Anyone else who want to say? Simran, correct hai 3? Yes, sir. Okay, I'll write 3. Fine. So, next, ek aur try karenge aap log. Do you also remember what is? Achha, ek sum yahan pe leta hun. What can you tell about answer for -5 + 10? Bolo. 5. Answer is very good. Now, abhi iska sochi kada. What can be answer? -2 - 6. बोलो. -2 - 6. इसका आंसर क्या हो सकता है? सर -8. अरिष्का, आई वांट सबसे आंसर -8. ठीक है. अच्छा, ये वाला सब लोग सोचेंगे -6 - 5. इसका क्या हो सकता है? सर -11. नाउ ठीक है, चलो, कुछ लोगों ने आंसर बताया एंड कुछ लोगों ने आंसर नहीं बताया, कोई बात नहीं. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से हम लोग रूल्स देखेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग ये सारे आंसर्स इजीली कर सकते हैं. हेलो, याद आ रहा है? यस सर. अच्छा, एंड माइनस, नेक्स्ट, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, बोलो. ये सब रूल्स याद है? हेलो सर. माइनस, वेरी गुड. और प्लस इंटू माइनस इज ऑल्सो माइनस. नो, मैं क्या करूंगा, अगर आपको नहीं याद है तो भी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ. सी, वी आर लर्निंग मैथ्स, हमें कुछ बाय हार्ट नहीं करना है. सो आई जस्ट सिंपल यहाँ पे एक नोट लिखूंगा. अगर सेम साइन है ना तो प्लस होगा. अलिश का सेम साइन है तो क्या होगा? प्लस. सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस. तो सेम SIGN साइन, द आंसर विल बी प्लस, एंड डिफरेंट साइन विल बी माइनस. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मैं क्या बताता हूं. सेम साइन, मुझे बताओ, यहां पे देखो, यहां पे सेम साइन था ना बच्चों? हेलो. यस सर. ये देखो, ये माइनस, ये भी माइनस. व्हाट इज आंसर फॉर माइनस इनटू माइनस? प्लस. अच्छा, वापस सेम रूल, सेम साइन प्लस. इधर देखो, इधर साइन प्लस है, इधर प्लस है, तो आंसर इज आल्सो प्लस. प्लस. नाउ डिफरेंट साइन, एक माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर इज माइनस. एक प्लस एक माइनस, आंसर इज माइनस.
Minus. Yes. Are you understanding? Hello, everybody. Yes, sir. Now listen. Let's see one more. अभी ये कुछ बाहट नहीं करने का. आदित्य समझ है आपको? आदित्य बेटा हेलो. यस सर. अब ये ना जैसे ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ऐसा मगअप करके रखते हैं. तो हम लोग आज एक नया टेक्निक सीखने वाले हैं. ठीक है, क्या सीखने वाले हम लोग? एक नया टेक्निक जिससे हम लोग ये सारे सम्स, कौन से सम्स? ये जो भी सम्स मैंने बताया ना ये, ठीक है, ये हम लोग विदाउट यूजिंग ये भी कर सकते हैं. तो वो टेक्निक जानने के लिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइट डाउन दिस व्हाटएवर यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ये एग्जांपल्स, ये रूल्स एंड ये साइन के कीवर्ड्स, ये लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इतना लिख के लो फास्ट. ओके यस सर. So, yes, sir, I am also done with this. Sir, I am also done. Done? Yes, sir. Okay. So, aage bade? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. I am just clearing the screen now. Now, let's see, मैं क्या बोल रहा था? We are going to learn an activity, है ना? तो activity का नाम है hopping rabbit. Hopping rabbit. क्या नाम है बोलो? Hopping rabbit. मतलब क्या? एक rabbit तुबड़ुक ऐसा तुबड़ुक तो नहीं करता है, वो तो घोड़ा करता है, वो ऐसा jump करने वाला है. आदित्य ध्यान दे, ठीक है? So before that, I have some numbers पहले. Just 1 minute. Let me draw a straight line. So समझो. ये वो पाथ है या फिर ये वो रास्ता है जहां पे वो रैबिट जो है वो जंप कर करके जाने वाला है. ठीक है, एंड लेट मी राइट सम नंबर्स ओवर हियर. लेट्स से ये द नंबर ओवर हियर इज गाइस प्लस माइनस 5, देन यहां पे माइनस 4 है, माइनस 3 है, फिर यहां पे माइनस 2 है पोजीशन, फिर यहां पे माइनस 1 है, फिर यहां पे 0 है, 1 है, दिख रहा है ना आप लोगों को? 2 है. यस सर. ठीक है. यस सर. यस सर. The next positions are 3, next 4, next 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Fine. Now, at every instance, what we are going to do is try to understand. These are positions, bachcho. Kya hai ye sare ke sare? Positions. Positions. Position. Yeah. So, ek ye hai, jaise minus 5 ho gaye.
सर ये माइनस फोर हो गया, ठीक है, ये माइनस थ्री हो गया। मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ भैया, ये माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, ये वन, ये टू, फिर ये थ्री, फिर ये फोर, फाइव, सेवन। अब ये रैबिट क्या करने वाला है, हम लोग इस एग्जाम्पल के मदद से क्या देखने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज बच्चों व्हाट आई डू इज एट दिस पोजीशन, लेट मी ड्रॉ, एट दिस पोजीशन देयर इज अ रैबिट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रैबिट? माइनस थ्री पे रैबिट है समझो, एंड ये माइनस थ्री से जंप करके, ठीक है, अगर उसको समझो लेट से यहां से जंप करके उसको समझो फाइव तक आना है, किधर तक आना है बोलो एवरीवन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वापस, ये फाइव तक आना है, तो कैन यू टेल मी उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चों? जस्ट काउंट, देखो यहाँ से ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, सिक्स सेवन एट, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा बताओ? एट डिस्टेंस को चलने पड़ेंगे, है ना? सो कैन वी से ध्यान दो, वो स्टार्टिंग में कहां पे था? माइनस थ्री पे था, ठीक है, ही वाज एट कहां पे बेटा? माइनस थ्री, माइनस थ्री। अच्छा बताओ ही मूव जंप ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड, राइट साइड। किधर पहुंच गया स्टार्टिंग में? माइनस थ्री पे था, एट स्टेप जंप करने के बाद किधर पहुंच गया बताओ? फाइव। तो देखो अब ध्यान से देखो, माइनस थ्री प्लस एट करके भी आंसर फाइव ही आता है ना, if you remember, yes, sir. Yes, sir. minus 8 yes, or 3 ko minus karenge answer will be 5, samajh mein aaya? This is how actually, yes sir, 5. Yes sir, logo khali bayad karke answer mein 5 nahi lana hai, samajh mein aaya ki everybody? Hello, yes sir. Okay? Yes sir, ek aur dekhte hain, to now wapas main rabbit ke position mein aata hu, abhi kya karunga, let us take bachcho ulta jaunga ya fir ulta jane ke pehle let's take one more step. Suppose now the rabbit is at minus 5, rabbit minus 5, ठीक है, एंड उसको 10 तक आने गए, तो कितना स्टेप्स चलना पड़ेगा? अच्छा उसके पहले उसको 10 तक अगर आने गए, देखो माइनस फाइव से स्टार्ट करके he have to reach 10, तो everyone will count with me, कितना स्टेप्स करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Was it minus 5? उसको कितना step? Right side में जाना है, तो plus लिखूंगा. 15 steps लिया. कहाँ पे पहुंच गया बताओ वो? He reached at 10. 10. 10. Also the answer for minus 5 plus 15. Yes. Sharp. समझ रहे ना, ये आंसर भी है ना माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन, ठीक है, समझ में आया ये कैलकुलेशन बच्चों? एवरीबॉडी यस सर, राइट साइड में जाने के टाइम हम लोग प्लस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में जाने के टाइम क्या करने का? कैन यू टेल मी? माइनस, वेरी गुड, माइनस करने का। तो अभी उल्टा एक्टिविटी भी समझते हैं अपन, ठीक है, मतलब वी विल स्टार्ट समवेयर यहां से, लेट से हम लोग माइनस सॉरी फाइव पे, हमारा रैबिट अभी फाइव पे और वो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, वो किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड जा रहा है, और वो यहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा? फोर तक, माइनस फोर, माइनस फोर, ठीक है, अलिश्का ही रीच्ड टिल माइनस फोर। नाउ हेल्प मी आउट अलिश्का, हम लोग स्टार्ट में कहाँ पे? फाइव पे थे, लेफ्ट में जा रहे तो कौन सा साइन पुट करेंगे हम लोग, बोलो? सर मैं, एवरीवन, एनीवन कैन टेल मी? यस अलिश्का, या प्लीज से बोलो। सर राइट साइड में गए तो वी हैव पुट प्लस साइन, लेफ्ट में जाएंगे तो वी विल पुट सर माइनस,
Minus, very good. Now tell me, just count this number of steps, Alishka. How many steps we have moved from starting from 5, say minus 4. This is 1, 2, everyone can count with me. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So 9 steps. Yeah. And where do we reach finally? Watch it, minus 4. Minus 4. Very good. So this is how we get the answer of 5 minus 9 as minus 4. Samajh mein aaya? Hello? Yes, sir. Great. Now, ek aur sum hum log karenge, theek hai? Well, we will take one more sum apart from this. Iske alawa. Let's take, hum log bachcho, hum log abhi kahan se start karte hai? Zero pe rakhte hai humare rabbit ko. Jumping rabbit ko. Theek hai? To let's say yahan pe zero pe rakh diya. एंड समझो मैं जीरो से लेके माइनस फाइव पे आना चाहता हूं, तो अब आप लोग मुझे बताओ कितना स्टेप्स मुझे चलना पड़ेगा. वन टू थ्री फाइव. तो मेरे को बताओ मैं क्या लिखूंगा, पहले बताओ. वी वर एट किधर? जीरो. लेफ्ट में जा रहे तो विच साइन वी हैव टू पुट? टेल मी. माइनस माइनस. ठीक है, कितना स्टेप्स लेफ्ट में गया मैं? फाइव स्टेप्स. माइनस फाइव. कहाँ पहुंच गया मैं फाइनली? माइनस फाइव पे. माइनस गेट जीरो माइनस फाइव का आंसर है माइनस फाइव. समझ में आया? हेलो. यस सर. सो एवरीवन विल राइट ऑन न्यू हेडिंग एक्टिविटी. ठीक है, एक्टिविटी ऑफ जंपिंग या रैबिट. सर वी हैव टू राइट इट. Yes, just draw this and then write this, okay? Okay, sir. Sabko samajh mein aaya kya? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm done. You have drawn this also, Simran? Yes, sir. Okay. Aditya, you understood? Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, do it fast, bachcho. Sir, finish writing. Yeah. So now हम लोग कुछ इसके related sums करेंगे. We'll do sums, ठीक है? So every time we are not going to draw this, but this is just for concept. मैंने आपको explain किया how we get the answer. हम लोग को answer कैसे मिलता है? समझ में आया ये? शाले erase बच्चों? Yes sir. Yes sir. Okay. So I'm clearing the screen. Now listen. अभी हम लोग कुछ sums करेंगे, ठीक है? Now we're going to draw some sums. तो व्हाट इज द रूल, याद करो पहले वापस एक बार वो देखते हैं. माइनस इनटू माइनस क्या था बोलो एवरीवन? प्लस. प्लस इनटू प्लस. प्लस. कम ऑन एवरीवन. प्लस. प्लस इनटू प्लस विल बी आल्सो प्लस. याद है क्या रूल यूज किया था हम लोग ने? सेम है तो प्लस. यस सर. साइन प्लस. सेम साइन प्लस. सेम साइन प्लस. तो हुआ तो क्या करेंगे? डिफरेंट साइन. डिफरेंट साइन क्रिएट. माइनस. माइनस.
जैसे माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस हेलो यस सर सो सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस नाउ स्टार्ट विद सम सम्स ठीक है मैं यहाँ पे सम्स स्टार्ट करता हूँ लेट से इफ आई हैव बच्चों माइनस थ्री प्लस फाइव सबसे पहले साइन ऑब्जर्व करना है कोई सॉल्व नहीं करेगा ध्यान से सुनो पहले ऑब्जर्व द साइन व्हाट इज द साइन पहले साइन बताओ क्या है माइनस थ्री का साइन प्लस माइनस माइनस और फाइव का साइन क्या है प्लस तो टेल मी सेम है क्या अलग है सेम है क्या डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट साइन प्लस एंड डिफरेंट साइन माइनस तो ये थ्री और फाइव करने का माइनस करने का है ना थ्री और फाइव को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो टेन व्हाट इज फाइव माइनस थ्री का आंसर बच्चों फाइव माइनस थ्री का टू एंड देन वी हैव टू गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर बच्चों थ्री और फाइव में बिगर नंबर कौन है फाइव साइन क्या है व्हाट इज द साइन टेल मी प्लस प्लस में बिगर नंबर का साइन देने का मतलब क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे समझ में आया यस ठीक है सो दिस वाज फर्स्ट सम वी विल सी ऐसे बहुत सारे सम्स ध्यान दो और एक सम देखते हैं चलो नेक्स्ट हेल्प मी आउट ना नेक्स्ट माइनस सिक्स माइनस फाइव क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दो माइनस सिक्स और क्या है माइनस फाइव तो सबसे पहले साइन देखो बच्चों व्हाट इज साइन टेल मी व्हाट इज साइन दोनों प्लस माइनस प्लस इसका है माइनस है ना माइनस इसका भी माइनस तो माइनस माइनस क्या अलग है आदित्य साइन सेम है क्या अलग सेम है ना साइन सेम है सेम साइन है तो क्या करेंगे आदित्य सेम साइन है तो क्या करेगा यस आदित्य बोलो प्लस करने का वेरी गुड तो सिक्स और फाइव प्लस करो आंसर क्या आएगा माइनस इलेवन माइनस इलेवन मैंने जितना पूछा उसका आंसर बताओ बच्चों सिक्स और फाइव को प्लस करके क्या आएगा इलेवन Eleven. Then we will give the sign of bigger number. Tell me, 6 और 5 में bigger number कौन है? 6. उसका sign क्या है? 6. Minus. यहाँ पे minus लिखेंगे. समझ में आया क्या? Yes. ठीक है. Now let's see one more sum. I'll take one more problem. ठीक है. Now tell me minus 15. Don't worry. If I'm making the numbers bigger, don't worry. आएगा आप लोगों को question. ठीक है. Just one minute. What happened? यहाँ पे I'll write it back. The answer is minus. Oh. Answer is minus 11. Yeah. So next sum what I'm taking is this minus 2 and plus 10. Now tell me, just observe the sign. 15 का sign क्या है? माइनस टेन का साइन क्या है प्लस प्लस माइनस प्लस क्या होता है सेम साइन है कि अलग साइन है पहले वो बताओ अलग साइन है माइनस है प्लस है तो अलग है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे 15 माइनस 10 माइनस फाइव देन गिव द साइन माइनस फाइव ग्रेटर नंबर 15 और माइनस फाइव माइनस फाइव का साइन क्या है माइनस तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे समझा बोलो बेटा किसी को कुछ पूछना है समझ में आ रहा है हमें फोन चाहिए सिमरन नीता आदित्य यस सर नाउ टेल मी इफ आई हैव अ नंबर 0 माइनस 8 अब 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है तो कोई बात नहीं 0 को साइड में रखो यहाँ पे क्या है 8 है 8 माइनस 0 करेंगे व्हाट इज 8 माइनस 0 का आंसर बच्चों बोलो 8 माइनस 0 का आंसर क्या है 8 और 8 में 0 और 8 में बिगर नंबर कौन है 8 नहीं 0 है 0 और 8 में बोलो 8 है तो वी विल गिव साइन ऑफ बिगर नंबर दैट माइनस 8 लिखेंगे समझ में आया हेलो यस सर ओके नाउ लेट मी ट्राई वन मोर प्रॉब्लम एवरीवन विल लिसन ठीक है माइनस 9 एंड माइनस 9 नाउ टेल मी दोनों का साइन क्या है सेम है क्या अलग है टेल मी सेम है सर सेम वेरी गुड सेम साइन क्या करेंगे
Add plus. 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 Tell me what's the answer. 18 का जो भी साइन है वो लिख देंगे, क्या साइन देंगे? माइनस. समझ में आया? माइनस. हेलो. यस सर. ठीक है. सो ये प्रॉब्लम जो मैंने की वो समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी और यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप लोग ट्राई करना इसके बाद. ठीक है, चलो यू कैन स्टार्ट नाउ. आप लोग ने ये तो ऑफ कोर्स पहले ही लिख के लिया है, जो मैंने राइट साइड में लिखा है ये लिखा है. Yes, sir. नाउ प्लीज स्टार्ट, ये सम्स के साथ स्टार्ट करो एंड फिर मैं यहाँ पे कुछ सम्स लिख के देता हूँ, वो ट्राई करना. ओके, कंटिन्यू. चलो सम्स लिखता हूँ बच्चों. लिश्का समझा आपको? यस सर. ये सम्स इसके बाद ट्राई करना. ओके ओके. आंसर्स बच्चों, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो गिविंग यू सम मोर प्रॉब्लम्स. ट्राई दिस एंड दिस सम्स द देयर विल बी थ्री डिजिट्स. ठीक है, सो यू कैन डू इट. I'm very sure minus 1 plus 2 minus 5. जरा try करो, नहीं आया तो मैं हूँ आपको बताने के लिए. ठीक है, next 12 sum we have minus 1 plus 2 minus 5 minus 8 20 sir out of yes. I'll show you one sum, don't worry. Minus 40 then 13 sum minus 8 minus 2 5. चलो एक सम मैं बताता हूँ तीन डिजिट्स का कैसे करेंगे. यहाँ पे मैं थोड़ा अलग वाला बताऊंगा इसमें से. जैसे मेरे पास है minus 5 plus 6 minus 4. ध्यान दो everyone so at a time देखोगे two numbers, सिर्फ इन दोनों को देखो, बाकी सबको मिलो. minus 5 plus 6 कितना आएगा? Minus 5 plus 6. कैसे करेंगे? माइनस प्लस माइनस, तो 6 और 5 को माइनस करेंगे. माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस 6 और 5 को माइनस करेंगे. विल गेट कितना? 6 माइनस 5 1 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर. 6 बिगर नंबर है, विल राइट प्लस. समझ रहा है आदित्य? यस सर. या then we will write बचा हुआ number same ऐसे ही नीचे आएगा, that is 4. now tell me everyone what is answer for 1 minus 4. अब यहाँ पे कोई sign नहीं, no sign, plus plus minus minus, तो दोनों को minus करो. 4 minus 1 कितना आता है? 3. then give the sign of bigger number. बोलो आप लोग कि 1 और 4 में bigger number कौन? 4. sign क्या है? minus. तो answer आएगा minus. समझ में आया? तो थ्री वाला सम कैसे सॉल्व करेंगे? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी. हेलो क्लास. हेलो, टेल मी यस और नो? यस सर. डिजिट्स को लेंगे हम. हेलो ट्राई करो. वॉइस इज नॉट क्लियर. सॉरी
Your voice is not clear, sir. No, my voice is clear. Am I audible, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Samjha kya, Simran? No, sir. वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी. अलिश्का, आपको समझा? हेलो अलिश्का. नो सर. ओके, नो इश्यूज. क्या समझा? ठीक है, तो जिसको भी नहीं समझा इट्स ओके, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. ध्यान दो, कोई बात नहीं बच्चों. मैंने सम क्या लिया था? द सम इज, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस फोर. ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ कि थ्री डिजिट वाला सम्स कैसे, थ्री नंबर्स वाला सम कैसे करें. तो भूल जाओ पहले तो थ्री नंबर्स, जस्ट ऑब्जर्व, फोकस खाली दो ही नंबर है, ऐसा समझो. सिमरन सुन रही है? यस सर. या नाउ टेल मी, दो ही नंबर है खाली, इसको सॉल्व करने तो आता है ना. हम लोग ने दस सम सॉल्व किए वन से लेके टेन, है ना. टेल मी, फाइव प्लस सिक्स, व्हाट इज द साइन? एक माइनस है एक प्लस है. साइन सेम है क्या? अलग है? अलग है. तो दोनों को माइनस करेंगे, सिक्स और फाइव को माइनस करो, क्या आंसर मिलेगा? साइन ऑफ बिगर नंबर. टेल मी, सिक्स और फाइव में बिगर नंबर क्या है? सिक्स. उसका साइन क्या है? प्लस. प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा. इतना समझा सिमरन? यस सर. अब आगे का माइनस फोर वी विल राइट ऐसे ही, विल राइट ओनली लाइक दैट ओनली. ओके, नाउ टेल मी, व्हाट आर द साइंस ऑफ दिस वन एंड माइनस वन एंड फोर? वन साइन इज प्लस एंड अनदर साइन इज माइनस, राइट? आर द साइन सेम और डिफरेंट? टेल मी. साइन सेम है क्या? अलग है? अलग है, डिफरेंट. दोनों को माइनस करेंगे, राइट? सेम साइन प्लस, अलग साइन माइनस. तो फोर और वन को माइनस करो, आंसर क्या आएगा? थ्री. क्या आंसर आएगा? थ्री. साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस थ्री. बच्चो, यस, वेरी गुड सिमरन. वन और माइनस, वन और फोर में बिगर नंबर इज फोर, साइन इज माइनस, सो द आंसर विल बी माइनस थ्री. समझा अभी सबको? एवरीवन? यस सर. नाउ प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग 11, 12 एंड 13. एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व नंबर्स और सम्स बेस्ड ऑन बच्चो इंटीजर्स या फिर प्लस माइनस. ओके, सो दिस वॉज द अबाउट फर्स्ट लेक्चर. आई होप सबको समझा होगा. यस, ओके, यस सर.